सो हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जनाब, पता है आप लोगों को मैं कहाँ पर हूँ? तो भाई, आप लोगों को अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ, आज मैं पहुँच चुका हूँ नागालैंड के कोहिमा सिटी में। तो कोहिमा जो कि नागालैंड की कैपिटल है, आज हम आ चुके हैं इस कैपिटल सिटी में। और हम लोग भाई रात में आए थे, कल आ गए थे हम लोग शाम के 4 बजे, और शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लोग बस जगह ढूंढने में लगा दी। 4 घंटे तक कड़ी मुशक्क़त करने के बाद एक हैदर भाई थे, उनसे मैंने बात करा और भाई साहब रहने का इंतज़ाम हो गया। हम लोग जा रहे हैं, एक म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम के हम लोग लगा कि यार हम लोग म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं और इसके बाद फिर यहाँ से कहीं और जाएंगे। और ये जो म्यूज़ियम है जहाँ पर हम रुके हुए हैं उसके बिल्कुल जस्ट बगल में, तकरीबन 500 मीटर के पास अक्रॉस में था। तो मुझे लगा कि यार चलते हैं जो पास में है, पहले उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, और इसके बाद आज आपको हर जो जो जगह यहाँ पर घूमने वाले सभी जगह पे आपको एक एक पर्टिकुलर वीडियो देखने को मिलेगा। तो गाइज, ऐसे ही वीडियो में बने रहो, मैं ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर अगर जैसे आप एंट्री करते हो यहाँ पे, तो एंट्री करते के सार ही यहाँ पर आपको एक बुक मिल जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें सारा दिया हुआ है, जो आता है अपना डेट लिखता है, नेम लिखता है, एड्रेस लिखता है, और एड्रेस के बाद रिमार्क कि मतलब ये म्यूजियम कैसा लगा आपको, आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सही है यार, मतलब अगर अब यहाँ से क्या करता हूँ यहाँ पर, यार ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर। एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर छोड़ के नीचे ही चलते हैं, नीचे के साइड में मच बेटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, नागालैंड के जितने भी ट्राइब्स थी तो उनके बारे में दिया गया है। यहाँ पर 16 के 16 ट्राइब्स है, और 16 ट्राइब्स के यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। मौन है, आओ है, और कोनियार्क है, मतलब यहाँ पर सारा आपको मैं दिखा देता हूँ। और तो गाइस, यहाँ देखने के बाद जैसे मैं म्यूजियम के नीचे वाले फास्ट में एंट्री करा, एंट्री करते साथ ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि नागालैंड के लोग उस ज़माने में क्या पहना करते थे, आज से कुछ साल पहले। तो उनकी जितनी भी धरोहर, इन द सेंस कि मतलब जो वो लोग पहनते थे, उस चीज़ को संभाल के यहाँ पर फ़ोटो के तौर में रखा गया है। ऐसा कुछ ड्रेस हुआ करता था। और ये मुझे लग रहा है कि ये पत्थर है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 3096 कुछ ऐसा, नेस्टोन स्टोन टूल्स। अच्छा, स्टोन टूल्स है भाई साहब, ये मारने काम आता था। मतलब इस पत्थर के बारे में मुझे ऐसा, मैं बाहर जब था ना तो मैं गार्ड से बात कर रहा था, तो वो बता रहा था कि जो पत्थर है यहाँ पर एकदम कहते हैं एकदम आसानी से किसी को मारते तो वहाँ पर पहुँच जाता था, तो इसलिए इस पत्थर को यूज करते थे नागा लोग। नागा लोगों की औरतें हुआ करती थी, तो वो यहाँ पर कपड़े बुनना, मतलब अपने जो पहनते हैं ना ये लोग, तो उसको भी बनाते थे ये लोग। क्योंकि उस समय पता क्या है, मशीनरी का युग है ही नहीं, और नागालैंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे अलग बनाता है। यहाँ पर 16 ट्राइब्स है, इनके यूज मतलब जो सामान ये लोग यूज़ करते हैं बिल्कुल अलग तरीके से। ये देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है भाई साहब। ये जो कपड़े देख रहे ना, ये जो नीचे वाला है, ये कपड़ा है यहाँ पर पहनने के लिए, ये सब ढाल है अपने आप को बचा के रखने के लिए, अगर मान लीजिए रात में कहीं जानवर आ गया। क्योंकि जो नागालैंड है, नागालैंड में मोस्टली मतलब एरिया ट्राइब्स एरिया है, ट्राइबल्स एरिया है, जानवरों वाला एरिया है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम भाई उन लोगों को होता था। ऐसा कुछ वो ढाल बनाते थे मुझे लग रहा है, जैसे गाइस देख रहे हो आप लोग, ये ढाल है, जैसे अब नागा आदमी जब लड़ने जाता था तो ऐसे अपना ढाल लेके जाया करता था, तो कुछ इस तरीके से है। बाकी आज मैं आपको सारा घुमा दूंगा भाई जितना म्यूजियम में है। ये है तीर धनुष, जानवरों का शिकार करने के लिए, और सबका अलग अलग डिज़ाइन है, मतलब कोई छोटा है, कोई बड़ा है। इसके बाद ये है बाण रखने के लिए, मतलब तीर के साथ जो धनुष होता है ना, धनुष रखने के लिए है। एक है उसमें कुछ पानी रखने के लिए था। इधर आ गए तो यहाँ पर मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आया क्या चीज़ है, बट हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें मतलब ये कंघा है उस समय का। अरे यार, मतलब कितना नया नया चीज़ है, समझ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बट यार अच्छा लग रहा है।
मुझे लगता ना कि इस जगह पे अगर एक गाइड होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो कुछ ऐसा है मतलब वहाँ पर जब कोई भी त्यौहार होता है तो कुछ इस तरीके से ड्रेस पहनते हैं नागा लोग, मतलब उनका एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। नागा जो वॉरियर्स थे, तो यहाँ पर नागा वॉरियर्स को दिखाया जा रहा है कि जो नागा वॉरियर्स थे, अच्छा डांसिंग, ये कोनियार का है, कोनियार के जो ट्राइब था वो कैसे बंदूक बनाया करते थे। और सबसे पहले ना मतलब जो बंदूक जो टेक्निक में आगे था तो वो कोनियार ट्राइब था। कोनियार ट्राइब बहुत ही तेज और टैलेंटेड था, बट ब्रिटिश उसको खा के ख़त्म कर गई। और यहाँ पर कुछ वेयरेबल है जो कि एक जीतने के बाद जो राजा पहनता है ना कोई हेड हंटिंग करने के बाद। और यहाँ पर एक जैसे बनाते हैं ना कुछ भी कपड़ा बनाना या फिर कोई सामान रखने के लिए बनाना, तो नागा लोग ऐसे बनाया करते थे। और इसका कुछ समझ में नहीं आया क्या है, बट ठीक है, अच्छा है जो भी है। गाइस ये हैं नागा लोगों की औरतें जो अपने बालों में लगाया करती थी, मतलब जैसे इस साइड में क्या बोलते हैं अपने असम के साइड में गजरा लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पर एक अलग ही तरीके से लगाया जाता है। ये ढाल है भाई साहब, ये सब ढाल देख रहे हैं आप। और ये हैं भाला, भाले का भी अपना ही रोल हुआ करता था, मतलब दूर से मार दो इंसान को। और भाले का भी बहुत सारे तरीका है, कितना कुछ था ना उस ज़माने में। ये जब एक नागा औरत सुबह निकलते थे और शाम तक वो लोग अपना काम करके घर आया करते थे, और उस समय की ये बंदूकें हैं, वेपन्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई नागालैंड में, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बंदूक हो गया, मतलब ये एक गन को देख लो भाई, ऐसे गन ना ये ब्रिटिश के टाइम का मुझे लग रहा है, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग आए थे तो कुछ इसी तरीके गन लेके आए थे। और उसी गन को मुझे लग रहा है कि उनको ब्रिटिश वालों को ये लोग लूटा करते थे, और लूटने के बाद फिर ये इस गन को अपने तरीके से यूज करते थे। ये है बाण, धनुष बाण, एरो, ये जानवर मारने के काम आता था। बाकी भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका नाम भी नहीं मालूम है, तो गाइज आप लोग खुद ही लगा लीजिएगा अंदाज़ा कि वो चीज़ क्या है। ये तो भाई ये चांग वॉरियर्स, अरे इनका तो एकदम पहनावा ही अलग था। अच्छा नागालैंड की ना एक ख़ास बात ये है कि आपको अगर कॉलोनी है, ठीक है, तो जितने भी कॉलोनी है सबकी अलग अलग कॉलोनी है, जितने भी ट्राइब्स है ना, मतलब मान लीजिए मैं एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ और दूसरा दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, तो पता क्या है घर के बगल में भी अगर कोई रहता है तो उसको भी उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, ऐसा है कुछ। मतलब वैसे तो यहाँ पर लोग नागामीज बोलते हैं, मतलब कि नागामीज जो कि सभी नागालैंड के जितने भी लोग हैं सबको आता है, बट अगर वैसे अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें तो ये लोग अगर एक आदमी से दूसरे आदमी से बात करना है तो सिर्फ क्या बोलते हैं, मतलब अपने लोगों से बात करना तो वो अपनी ट्राइब की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो गाइस ये रहा यहाँ का म्यूजियम की जितनी फुटेज थी मैंने दिखा दिया, और ये एकदम लास्ट है। यहाँ पर जो डांस होता है या फिर कुछ भी फेस्टिवल होता है ना, तो तब यहाँ के लोग पहना करते थे। बस भाई आज की वीडियो बस यहीं पर करते हैं ख़त्म, अब म्यूजियम से बाहर निकलता हूँ और फिर आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा रहा हमारा म्यूजियम का टूर, और म्यूजियम को हम लोग एक्सप्लोर करके आ गए हैं बाहर आके बैठे। तो ठीक है गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और पीछे वाला जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ अगर होगा तो दिखाऊँ।